गलती हमने की ही नहीं है, उसकी सजा हम क्यों भुगते? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जिस तरह हर लड़की एक ना एक दिन अपने माँ बाप के घर से जाती है। मतलब? मतलब हम तेरी शादी करवा रहे हैं। आता तुम्हें सांगा, आपको हमारी बेटी कैसे लगी? आम्हाला तुमची मुलगी खूपच आवडली। खरच मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसी लड़की चाहिए। वो किसी और की नहीं हो सकती। क्या हुआ? ऐसा क्या है उस लड़की में विनोद, तो ठाकुर दिग्विजय सिंह उसे बता नहीं पा रहा? जाने कितनी लड़कियां मेरी जिंदगी में आई आई और चली गई, लेकिन किसी भी लड़की के लिए मैंने अपना घर बार अपने रिश्ते दांव पर नहीं लगाए। फिर आज क्यों उस लड़की की खातिर मैं उन सब में आग लगाई जा? हर्ष उसकी शादी भी हो, फिर भी क्या चीज नहीं है मेरे पास? फिर क्यों उसकी कमी खल रही है मुझे? ये कौन सा जुनून है जो मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे दोस्त के प्यार से बढ़कर? विनोद तंग आ गया हूं मैं अपने इस पागलपन से, छुटकारा पाना चाहता हूं उसकी यादों से, उसे भूलकर अपनी हंसी खेलती जिंदगी में वापस लौटना चाहता हूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा विनोद, ऐसा हो नहीं पा रहा। होगा दिग्विजय, ऐसा ही होगा, और ये सब तुम मुमकिन करोगे। अपने आप को थोड़ा सा वक्त दो और अपना सारा ध्यान चंदना की सगाई पर लगाओ। चलो दिग्विजय, कल से आपकी अमूली हमारे तो दुल्हन के बेटे की गृहस्थी अच्छी से चलवाई के बाद तभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। पराई हो ही जाती है। लग्न जय अमूला सरस्वती देव सुदिनम माल्यादीनम भय प्रभो मयानि तानि पुष्पाणि पूजार्थ प्रतिग्रहं ताम ओम। गुरुजी शादी के मंत्र शुरू कीजिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिषो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभः। मैं अपनी तरफ से अपनी बेटी के लिए जो कुछ कर सकती थी वो मैंने किया। मैं जानती हूँ कि इस शादी में बहुत सारे समझौते हैं, लेकिन जो ठाकुर अमोली के लिए चाहते थे उस जिल्लत भरी जिंदगी से तो ये हजार गुना अच्छा है। एकदम बरोबर केले सुमन, तूने एकदम बिल्कुल सही किया। अगर तुम्हारे इस फैसले ने अमोली की जिंदगी बिखरने से बच गई है, वरना मेरे कुमुदी के तरह
आप यहाँ? मुझे कहीं से पता चला कि मंदिर में कोई शादी हो रही है, तो मैं यहाँ दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने चला आया। अब क्या मैं तुम्हारी बेटी और तुम्हारे दामाद को आशीर्वाद भी नहीं दे सकता?